Okay. हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो आज समरस्लैम 2019 में एक जो चीज WWE ने सबसे सही करी वो थी आज शो पर रेसलिंग काफी अच्छी थी और उनमें से एक मैच था ट्रिस स्ट्रैटस वर्सेस शार्लेट फेयर के बीच। और इस मैच के बाद क्या अब शार्लेट फेयर का हो चुका है फेस टर्न? इसके अलावा क्यों सेथ रॉलिंस जीते और उन्होंने हरा दिया ब्रॉक लेसनर को और बन गए यूनिवर्सल चैंपियन? इसके अलावा रोमन रेंस आखिर क्यों नहीं थे समरस्लैम के किसी भी सेगमेंट के अंदर? और आखिर क्यों WWE ने रोमन रेंस को रखा समरस्लैम से गायब? अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग शार्लेट फ्लेयर से। अब आपको पता है शार्लेट फ्लेयर कितनी एक बड़ी हील सुपरस्टार हैं और अगर हम बात करें ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस शार्लेट फ्लेयर की इस फ्यूड की तो दोनों के बीच जो बातें थी वो काफी ज्यादा इंटेंस होती थी। बेइज्जती करने में शार्लेट फ्लेयर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती थी ट्रिश स्ट्रैटस की। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया तो वहां पर हमें उनका एक नया रूप देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली हर बार ही होता है कि फ्यूड से पहले दोनों बंदे आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे को सुना रहे होते हैं लेकिन उसके बाद दोनों के बीच जो है रिस्पेक्ट आ जाती है। और यहां पर शार्लेट फ्लेयर ने कुछ ऐसा ही कहा ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में, उन्होंने कहा कि वो इज्जत करते हैं ट्रिश स्ट्रैटस की। और इससे यहां पर ये हिंट मिला है जिस तरह का वो पूरा इंटरव्यू था कि क्या WWE ने फाइनली अब प्लान कर लिया शार्लेट फ्लेयर का एक फेस टर्न और हो सकता है इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर एक फेस सुपरस्टार में बदलती हुई दिखाई दें। क्योंकि जिस तरीके का वो इंटरव्यू था यूजुअली हमने बिल्कुल हाल फिलहाल में ऐसा इंटरव्यू शार्लेट फ्लेयर की तरफ से अभी भी नहीं देखा। वो हमेशा ऐसी बात करती थी जैसे उनमें काफी एटीट्यूड है, वो काफी रूड है, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट था। तो क्या पता हमें शार्लेट फ्लेयर का एक फेस टर्न देखने को मिल सकता है इन कमिंग टाइम में। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी है कि आखिर क्यों सेथ रॉलिंस ने हरा दिया ब्रॉक लेसनर को। अब गाइस वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था समर स्लैम में। मतलब ज़्यादा कोई यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें टाइटल चेंज देखने को मिलेगा, उल्टा यहाँ पर रैंडी ओटन वर्सेस कोफी के मैच में लोगों की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि WWE टाइटल चेंज करवा देगी। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? अब गाइस इसके पीछे WWE के पॉसिबली काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे पहला तो ये कि जो अगला पेपर व्यू है वो क्लैश ऑफ चैंपियंस है और वहाँ पर हर एक चैंपियनशिप को डिफेंड होना होता है ऐसा WWE का मानना है। और वैसे भी बड़ी चैंपियनशिप है तो WWE को उसे डिफेंड करना ही था। लेकिन ब्रॉक लेसनर के बारे में आप लोग जानते हैं वो ज्यादातर बड़े पेपर व्यूज के अंदर ही अपीयर होते हैं तो पॉसिबली ये भी माना जा रहा है कि ये इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन यहाँ पर ये कि क्योंकि समर स्लैम में WWE ने टाइटल चेंज नहीं करा हुआ था तो एक मैच में उन्हें ऐसा कुछ करना था और इसके लिए उन्होंने मेन इवेंट को चुना। और इन सभी रीजंस के ऊपर एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि इस बार WWE सच में सेथ रॉलिंस को दिखाना चाहती थी कि वो हराएंगे ब्रॉक लेसनर को या वो हरा सकते हैं ब्रॉक लेसनर को। क्योंकि अगर आप लोग रेसलमेनिया 35 के मैच को देखो तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि लो ब्लो के सहारे से सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया था और वैसे भी वो एक लंबा चौड़ा मैच नहीं था, एक छोटा सा मैच था। ऐसे देखकर फील ही नहीं हो रहा था कि सेथ रॉलिंस ने सच में ब्रॉक लेसनर को हराया। और उसके बाद जिस तरीके का टाइटल रेन था WWE ने जो सेथ रॉलिंस की बुकिंग करी वो काफी बेकार थी। तो आप लोग कह सकते हैं उन गड्ढों को WWE भरना चाहती थी। और समर स्लैम के बाद जो इंटरव्यू भी होता है सेथ रॉलिंस का वहां पर उन्होंने कहा कि वो उनकी अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्रीज में से एक है। इवन वो ये भी कह रहे थे कि शायद उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री है जो आज तक उन्होंने अपने करियर में हासिल करी है। तो यहां पर WWE सच में ऐसा लेजिट दिखाना चाहती थी कि सेथ रॉलिंस ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हैं। और यही एक रीजन था कि WWE ने दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रेन सेथ रॉलिंस को दे दिया है। और अगर हम बात करें समर स्लैम की तो डेफिनेटली रेसलमेनिया 35 के मैच से काफी ज्यादा बेटर था और कहना होगा कि आज लगा सच में कि सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया है। बाकी अगर आप लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो शायद आपको बुरा तो लगा ही होगा और सेथ रॉलिंस के फैन हो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन स्टिल ये बात तो सबको माननी होगी कि रेसलमेनिया 35 से आज ये काफी ज्यादा एक बेटर मैच था। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के ऊपर जो कि आप लोगों के काफी ज्यादा क्वेश्चन है और मुझे लगा इसको आंसर करना चाहिए। और वो ये कि आखिर क्यों रोमन रेंस नहीं फीचर हुए समर स्लैम 2019 में। अब उनका मैच तो पहले से था नहीं, ऐसा लग रहा था कि क्या WWE लास्ट मिनट पर मैच कंफर्म कर देगी, लेकिन जब समर स्लैम स्टार्ट हो गई उसके बाद मुझे लगा कि अगर होना होता मैच तो शायद WWE अनाउंस कर देती और फिर बस यहाँ पर कोई सेगमेंट होगा। लेकिन WWE ने कोई सेगमेंट भी नहीं दिया, उल्टा एक ही चीज थी और वो थी रोवन एंड बड़ी मर्फी की, जो रोवन आकर बड़ी मर्फी के ऊपर अटैक करते हैं। अब रोमन रेंस तो यहाँ पर किसी भी तरह से शो पर नहीं थे तो इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि WWE ने अपने प्लान्स को बाद में जाकर कैंसिल किया। और ब्रैड शेपर्ड ने यहाँ पर हमें ये रिपोर्ट दे दी है कि WWE ने कुछ ना कुछ एंगल लिखा हुआ था रोवन डैनियल ब्रायन एंड रोमन रेंस के लिए, लेकिन बाद में WWE ने अपनी स्क्रिप्ट से गायब कर दिया और ये एंगल हमें नहीं देखने को मिला। और पॉसिबली ये एंगल बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला था जैसे कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। अब गाइस ये भी हो सकता है कि WWE ने पॉसिबली ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उन्हें ऑलरेडी लग रहा होगा कि समर स्लैम में जो चीजें वो ऑलरेडी एक्शन पैक्ड है, यहाँ पर और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं और शायद हम लोग वेट कर सकते हैं अगले WWE के शो तक का, फिर चाहे वो रॉ हो या फिर स्मैकडाउन लाइव, और पॉसिबली वहां पर हमें क्लियर होगा कि आगे रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन है वो कैसे जाती है। लेकिन मैं स्टिल ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि भैया अगर कोई बंदा पोस्टर के ऊपर है और वो स्टिल नहीं आ रहा उस पेपर व्यू में, पता नहीं यार, ये मुझे WWE के हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा स्टूपिड चीज लगती है। मतलब हम तो ये बोलते हैं कि यार ऐसा हो गया तो वो ऐसा कैसे हो गया, कोई लॉजिक या सेंस तो बना नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नॉनसेंस चीज मुझे नहीं पता WWE और क्या कर सकती है। वैसे ये बात भी है कि अगर उनको लास्ट में कैंसिल कर दिया गया बट स्टिल कैंसिल कर भी दिया तो आपको ये तो ध्यान में रखना चाहिए कि एटलीस्ट वो समर स्लैम के पोस्टर में और वो भी बहुत लंबे टाइम से।
तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको आंसर कर दिया होगा काफी सारी बड़ी चीजों का। तो इस वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आपने मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं सेथ रॉलिंस के चैंपियन बनने के बारे में और रोमन रेंज के मिस करने के बारे में, समर स्लैम को आप लोग क्या कहना चाहेंगे। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।